वाह वाह वाह, ये क्या है इतना बड़ा मम्मी? ये इसको नान पूरी बोलते हैं, मैदे से बनता है। अच्छा, ये स्पेशल बनता है, कोलकाता का फेमस है। हाँ तो क्या क्या इंग्रेडिएंट क्या क्या है इसपे? मैदा है, चीनी है, नमक है। मैंने थोड़ा इसको थोड़ा एक्सक्लूसिव बनाने के लिए कसूरी मेथी उसको थोड़ा सा हाथ में चूरा करके डाला है और बनाया हुआ है। थोड़ा घी डाला है, नॉन डेयरी घी है। उसको अच्छी तरह से मैंने, और जिसको घी नहीं डालना हो तो ना डाले, तेल से करे। अच्छा, तेल का मुआन से करे। इसको थोड़ा दबा के बेलना पड़ता है। और इसके साथ किसके साथ खाई जाती है बेसिकली? बेसिकली तो एक मतलब ब्रेकफास्ट इन आइटम है। अच्छा, इसको घुंगनी, घुंगनी जो बोलते हैं, छोले, छोले काबुली छोले का सब्जी, घुंगनी, मटर पनीर। मैं तो नॉन वेज जो लोग खाते हैं तो मटन के साथ भी खाते हैं, और जो सुबह का नाश्ते में दम आलू, इसके साथ कश्मीरी दम आलू बनती है। अच्छा, ये बहुत फेमस है कोलकाता क्यों, वेस्ट बंगाल, होल वेस्ट बंगाल में फेमस है, ऐसे कि बांग्लादेश में कई कई जगह में खाया जाता है। थोड़ा ओकेजन होता है तो खाया जाता है। बाजू में मटन बन रहा है, बाजू में मटन बन रहा है। मटन के साथ मैंने बोला चावल बनाओ, नहीं नान पूरी बनाओ। तो फिर ऊंचे लोग ऊंची पसंद एकदम। आप लोग भी बनाइए फ्रेंड्स, देखना अच्छा लगेगा खाने में। रोटी तो हम तो रोज का हमारा तो रोटी सब्जी तो रहता ही है। वही तो यार, बेचारा इंसान पक भी जाएगा। तो सोया का मतलब कोई भी मतलब जो ग्रेवी सब्जी के साथ खा सकता है ना इसको, ग्रेवी का हाँ। और जो लोग नॉन वेज चिकन है या मटन दे के खा सकते हैं इसको। हाँ, और जो लोग वेज है पनीर के साथ बोलो, और तुम्हारा छोले। हमारे उधर क्या होता है, जो भी बनाते हैं थोड़ा छोटे छोटे करके आलू काटते हैं, आलू काट के घुगनी के साथ दे के बना के फिर ये नान पूरी दे के खाते हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए, थोड़ा मैदा को सान के फिर थोड़ा उसको आधा घंटा थोड़ा रेस्ट देना होता है। तो आटा और मैदा मिक्स करके भी बनाते हैं क्या इसको? नहीं, प्योरली मैदा है वो फिर पूरी बन जाएगा, फिर खाली सिंपल पूरी बन जाएगा। अच्छा ठीक, कैसा लगा फ्रेंड जरूर बताइएगा, और बनाइएगा खाइएगा और मुझे बताइए, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कैसा लगा। और कुछ भी कुछ अगर आप देखना चाहें तो मुझे जरूर बताएं, और हमारा चैनल को प्लीज फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और हमको बहुत सारा ब्लेसिंग्स भी दीजिएगा, ये आशा करती हूँ। थैंक यू।